तो गाइस हम रिवीजन स्लैश समरी वीडियो लेके आ चुके हैं 3D ज्योमेट्री की, और हमने 4 वीडियोस में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और जल्दी से हम रिकैप करते हैं जो जो हमने पढ़ा। ये आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में सब कुछ क्या क्या पढ़ा है काम में आएगी। जल्दी से पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने पढ़ा कि टोटल हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 3D ज्योमेट्री में, एक्स वाई और जेड। और तीन ये जो 3 कोऑर्डिनेट के एक्सेसेस होते हैं, क्योंकि हम एक एक्सेस को जेड से लेकर जेड डैश तक मानते हैं, ये 3 जो कि 3 एक्सेसेस हैं, ये पूरे स्पेस को, क्योंकि हम प्लेन की बात नहीं कर रहे, हम 3D की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेन हट जाता है, पूरा एक स्पेस आ जाता है। पूरे स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, 8 डिफरेंट ऑक्टेंट्स। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको हेल्प करता है अगर आपके पास एक एक x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स और बी के x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स हो, उनकी मदद से आप, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इजिली आप निकाल सकते हो, कोई टफ चीज नहीं है। सेक्शन फॉर्मूले पे आते हैं। सेक्शन फॉर्मूला कहता है अगर कोई भी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई ए है, फिर हमें B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और B के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2 और P हमें निकालना है। P के कोऑर्डिनेट्स आप x y और z मान लो, ये m है और ये n है, यानी कि AP by BP equals to m ratio n। तो आप इजिली इस फॉर्मूले का यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। मान लो कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सटर्नल डिवीजन होता है जब कोई भी पॉइंट उस लाइन से बाहर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A, This is B and this is P। तो एक ऐसी लाइन होती है, ये आपका N हो जाता है और ये पूरा आपका M हो जाता है। ये जहां जहां प्लस है, ये जहां जहां भी प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाता है। तो बस और कुछ नहीं करना है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, सिंपल है, प्लस का माइनस कर देना। इंटरनल के लिए सिंपल है, प्लस का प्लस ही मतलब प्लस कर देना है, सिंपल है। रिफिल कर लिया हमने, तो जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, 0, यानी कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। फिर वैसे ही अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, जेड एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट इनमें से किसी पे लाई करता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, तो सीधे सीधे हम केवल एक वेरिएबल मान के बाकी दो को 0 ले लेंगे, जो कि यहाँ 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 है, और फिर इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो रिवीजन और समरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको फोर्थ वीडियो में मिल चुके होंगे, फिर से देखो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेसिक्स है, मैथ्स है, लोअर लेवल मैथ है, केवल आपको जानना है कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। उसके अलावा NCERT की जो समरी है उसमें खाली इतना था, मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, खाली 4 चीजें थी, एक ये था, फिर सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और ऑक्टेंट्स के बारे में, बस और कुछ नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर जो है पूरा का पूरा 3D चैप्टर का हमने खत्म कर दिया, रिवीजन हो गया है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे नंबर स्कोर करना, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।